हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपको अपने इस यूट्यूब चैनल भारत का भविष्य में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे BRMGSS के तरफ से एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ को मैंने पूरे गूगल से ढूंढ करके निकाला हुआ है, जो कि फ्रेंड्स 2013 का न्यूज़ है। और फ्रेंड्स, ये जो है ज्वाइनिंग से ही संबंधित है, तो इसके बारे में हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर डिटेल्स में जानकारी लेंगे। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड और भी कुछ हम लोग महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे BRMGSS से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि ये न्यूज़ 2013 की है, यानी कि फ्रेंड्स 2013 और ये हो गया 2022, यानी कि लगभग 2023 हो गया, लगभग 10 साल पुराना न्यूज़ हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग खुद सोच सकते हैं 2013 से ही ज्वाइनिंग की जो है ये हल्ला बोल जो है ये चल रहा है। 2013 से ही यहाँ पे पर डे यहाँ पे लोग ज्वाइनिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग इस न्यूज़ को यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 20 फरवरी 2013 को 7 बजे शाम में इस न्यूज़ को जी न्यूज़ इंडिया की तरफ से इसको जो है यहाँ पर पब्लिश किया गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे के गोदाम कर्मचारियों के एक ट्रेड यूनियन ने बुधवार को रेल बजट में 6 लाख कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देने पर देशव्यापी हड़ताल शुरू करने की धमकी दी गई है। तो भाई साहब देखिए, पहले आप लोग यहाँ पे BRMGSS का अगर ऑफिशियल साइट खोलिएगा तो यहाँ पे अभी भी 6.5 लाख लोगों का ही वहाँ पे मतलब कि दिया गया है कि 6.5 लाख लोग ही हैं, लेकिन ये डाटा जो है 2013 का है। इससे अगर आप लोग तुलना कीजिएगा 6.5 लाख जो मजदूर हैं वो फ्रेंड 2013 के डाटा से बिल्कुल 100% मिल रहा है। और अभी जो 2022 हो गया, लेकिन 10 साल के बाद 9 साल के बाद भी वेबसाइट में किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे आपको अपडेट देखने को नहीं मिला है। फ्रेंड्स, अब वेबसाइट में तो देखने को मिला है, लेकिन इनके जो कर्मचारियों की जो जनसंख्या है उसमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। मनोरंजन सर का या अरुण कुमार पासवान जी का अगर आप लोग भाषण वगैरह सुनते होंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे जो है 14 मतलब बीच में तो 10 लाख बताया जा रहा था, लेकिन अभी जो है फिलहाल जो है 14 लाख मजदूर बताया जा रहा है कि 14 लाख मजदूर यहाँ पे हो चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग यहाँ पे और चीज़ें यहाँ पे पढ़ देते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे देश भर में रेलवे सेवाओं को बाधित करने का सहारा लेंगे। BRMGSS के महासचिव अरुण कुमार ने कहा, मतलब अरुण ने कहा, हम 6 लाख गोदाम कर्मियों की सेवाओं को नियमित करने की मांग करते हैं। सरकार आश्वासन दे रही है, हम कार्रवाई चाहते हैं। अगर सरकार हमारी मांग पर ध्यान नहीं देती है तो हम रेल रोको आंदोलन करेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स बारिश का मौसम है, आप लोगों को भी पता है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड में थोड़ा सा ये हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि रेल बजट 26 फरवरी को पेश किया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग खुद ब खुद सोच सकते हैं, जब उस समय 6 लाख मजदूर था तो उस समय जो है क्यों नहीं यहाँ पे जो है इसका जो है मतलब ज्वाइनिंग हुआ। तो उस वही जो है धरना प्रदर्शन अभी भी चल रहा है, और इसमें बहुत से नया कैंडिडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। तो उसी के कारण जो है यहाँ पे लगभग 14 लाख यहाँ पे कर्मिक यहाँ पे हो चुके हैं। आप लोग खुद ब खुद सोचिए कि भाई साहब, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा जॉब नहीं है जिसमें जो है भाई साहब अभी तक जो है 14 लाख लोगों को भर्ती किया गया है एक बार में, अभी तक संभव नहीं है। इतना बड़ा जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है 1 लाख प्लस पदों पे भर्तियां निकाला हुआ है। अभी 4 साल पहले 2019 का फॉर्म अगर आप लोग गिराए हुईगा तो आपको पता होगा 1,03,000 के आसपास फॉर्म शायद गिरा है रेलवे ग्रुप डी में, जो कि इतना बड़ा जो है अभी तक का भर्ती है। लेकिन फ्रेंड्स 14 लाख यहां पे लोगों को, 10 लाख लोगों को, देखिए फ्रेंड्स ये बात सच्ची है, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग बहुत से लोग यहां पे दलाल लोग जो हैं वो आकर के कमेंट करेंगे कि आप जो है यहाँ पे निगेटिविटी फैला रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे निगेटिविटी की कोई ऐसा बात नहीं है फ्रेंड्स, जो सही बात है वही यहाँ पे बताया जा रहा है। आप लोग खुद ब खुद सोच सकते हैं कि 14 लाख लोगों को कैसे यहाँ पे जॉब दिया जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी है पहले से जो इसमें काम कर रहे हैं उनको तो यहाँ पे फ्रेंड्स बेनिफिट बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स जो न्यू ज्वाइनिंग हुआ है, न्यू ज्वाइनिंग मतलब कराने के लिए अप्लाई किए हुए हैं, उन लोगों को यहाँ पे 14 लाख, देखिए फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या हो जाता है। अच्छी बात यह है कि सभी किसी का इसमें ज्वाइनिंग हो जाए, ये एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये 2013 का न्यूज है, और 2013 से ही 2013 से नहीं, ये तो
प्रक्रिया 1998 से चल रहा है, लेकिन 2013 से अभी तक जो है किसी प्रकार का एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। और पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर यहाँ पे जो है डेट पर डेट यहाँ पे दिया जाता है टीम के द्वारा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे टोटल चीज़ आप लोग टोटल चीज़ समझ चुके होंगे मैं यहाँ पे क्या कहने का और क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है इसके रिगार्डिंग किसी प्रकार कोई भी अपना सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और फ्रेंड्स यहाँ से भगवान चाहे सब किसी का ज्वाइनिंग यहाँ पे हो जाए। तो फ्रेंड्स फिर से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।